सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल है आपके। तो गाइस आज का फोटो कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक और कमाल का होने वाला है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक और मुझे कमेंट करके बताना कि ये एडिटिंग आप लोगों को कैसा लगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगने पे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड है और इस वाले इमेज को इस टाइप से एडिट करना है। सो ये बैकग्राउंड, तो मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि बैकग्राउंड को इरेज कैसे करना है और फेस को स्मूथ कैसे करना, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा दोनों वीडियो का थंबनेल। तो इस वाले टैप करके जाके देख सकते हैं कि कैसे करके फेस को स्मूथ किए हैं और कैसे करके वीडियो मतलब बैकग्राउंड को इरेज किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ऐप में इंपोर्ट कर देते हैं पिक्सआर्ट। इमेज को इंपोर्ट करने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पे आना है। तो ऑलरेडी क्रॉप करके रखा है तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं। सारा बैकग्राउंड और PNGs का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको जाके इजीली से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आके इसे स्क्रीन कर देना है, फ्लावर पे लगा देना है। तो सिंपली इसे सेव कर देना है, ऐड फोटो में आना है। इधर पहले ऑप्शन पे जाना है, मोशन ब्लर टैप। उसके बाद ड्रॉ वाले टूल पे आना है। अब शेडो को क्रिएट करना है। ब्रश के सेटिंग से देख लेते हैं, हल्दी से ले कर देना है, ऑपेसिटी को कुछ कम, अभी शेड टर्न कर देना है।
डन करने के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आना है, इफेक्ट्स वाले टूल पे HDR मोड को ऑन करना है, इस पे इतना सेव। तो अब आते हैं Lightroom पे, जैसे इमेज को सेव कर देते हैं जल्दी से। इंपोर्ट करने के बाद कलर एडजस्टमेंट किया जाए। एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाते हैं, कंट्रास्ट को घटाते हैं, सो गाइस सेटिंग्स अब आप लोग देख लीजिए। टेम्पो वाले ऑप्शन पे आने के बाद टेम्परेचर को घटा दीजिए, टीन को भी हल्का सा माइनस, वाइब्रेंस को बढ़ाइए, सैचुरेशन को माइनस किया जाए। सो मिक्स वाले टूल पे आना है, फर्स्ट वाले कलर को यू को माइनस, सैचुरेशन को बढ़ाना है, सेकंड वाले को सैचुरेशन को घटाना है, लुमिनियस को बढ़ाना है, थर्ड वाले को कुछ करना नहीं है, डन। चौथा है क्लियरिटी को बढ़ाना है, इसको हल्का सा रेगिनिटी को भी बढ़ाना है, घटाना है सॉरी। सो सेटिंग्स अब आप लोग देख लीजिए। अब शार्पनेस को भी इनेबल कर दीजिए, रिमूव CA को इनेबल कर दीजिए। अब सिलेक्टिव वाले टूल पे आना है, एक्सपोजर को माइनस करना है, कंट्रास्ट को भी माइनस, हाईलाइट शैडो दिखाना है, हल्का सा शैडो को करना 19, व्हाइटनेस। सो गाइस फाइनली हमारा पिक हो चुका है रेडी। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे और भी एडिटिंग लेटेस्ट ट्रिक टिकटॉक वीडियो से रिलेटेड या लेटेस्ट एडिटिंग से रिलेटेड आपको इस चैनल में वीडियो मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।